सिर्फ 5 रुपये में जोड़, घुटने, हाथ, पैर, एड़ी, कमर और कंधे के दर्द का जड़ से सफाया करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन और कारगर रेमेडी लेकर आए हैं जो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिन लोगों के जोड़ों और घुटनों में दर्द रहता है, हाथ पैर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है या जिनको अर्थराइटिस और गठिया की समस्या है। ऐसे सभी लोग इस रेमेडी का प्रयोग करके दर्द की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। दोस्तों, जोड़ों घुटनों का दर्द, हाथ पैर और कमर दर्द बहुत ही तकलीफदायक होता है जिससे व्यक्ति को चलने फिरने व सीढ़ी चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जोड़ों और घुटनों के दर्द की समस्या पहले बुजुर्गों यानी ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि यंग एज के लोगों के साथ छोटी उम्र में भी पैरों में दर्द और घुटनों में दर्द की समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शानदार रेमेडी के बारे में बताएंगे जो पुराने से पुराने जोड़ों घुटनों के दर्द, हाथ पैर और कमर दर्द का जड़ से सफाया कर देगी। तो आइए जानते हैं इस रेमेडी के बारे में। दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है जायफल। आयुर्वेद में जायफल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। वात, पित्त और कफ तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी बहुत सी दवाइयों में जायफल का भरपूर प्रयोग किया जाता है। और अगर बात की जाए जोड़ों, घुटनों और हड्डियों के दर्द के बारे में, तो घुटनों और हड्डियों के दर्द में जायफल को एक प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जायफल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो जोड़ों, घुटनों, हड्डियों व मांसपेशियों के दर्द को कम करने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इसलिए अगर आप जोड़ों, घुटनों, हड्डियों या मांसपेशियों के दर्द के कारण परेशान हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक जायफल लेकर उसे इमाम जस्ते की मदद से कूट पीसकर उसका बारीक पाउडर बना लेना है। जायफल आपको पंसारी की दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके एक पीस की कीमत लगभग 3 से 5 रुपए होती है। तो जायफल का पाउडर बना लेने के बाद आपको एक पैन में लेना है एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल और फिर उसमें ऐड करना है 1 चम्मच जायफल का पाउडर। जायफल का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करके इसे गैस पर रखकर धीमी धीमी आँच पर खूब अच्छी तरह से पकाना है ताकि जायफल का सारा अर्क, सारे पोषक तत्व इस ऑयल के अंदर आ जाए। तो खूब अच्छी तरह से पकाने के बाद जब ये जायफल का तेल बनकर तैयार हो जाए तो आप इसे उतारकर हल्का ठंडा करके इस जायफल के तेल से अपने जोड़ों पर व घुटनों पर अच्छे से मालिश करते हुए लगाए। जहाँ पर भी आपको दर्द की शिकायत है, चाहे वो आपके हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, कमर में दर्द हो या हड्डी में दर्द हो, या फिर चाहे आपको गठिया व अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, आप वहां पर इस जायफल के तेल की अच्छे से मालिश करते हुए लगाए और 30 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दें। उसके बाद आप इसे हल्के कपड़े से साफ कर सकते हैं। इस तेल को लगाने से आपको हर तरह के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा और अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में सूजन है तो वो सूजन भी दूर हो जाएगी। जिसको घुटनों के दर्द की, अर्थराइटिस व गठिया के दर्द की ज्यादा प्रॉब्लम है, वे इसे कम से कम 15 दिन तक रोजाना लगाए जिससे आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाए। घुटनों के दर्द के अलावा इस ऑयल को आप अपनी फटी एड़ियों पर भी लगा सकते हैं। ये फटी एड़ियों के लिए भी रामबाण साबित होता है। फटी एड़ियों को कोमल और मुलायम बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।